पानी में अरवी बनाने का यह तरीका आपको एकदम हैरान कर देगा। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन ये अरवी की रेसिपी है, जिसे आप एक बार मेरे तरीके से बना लेंगे ना, तो हर बार इसी तरीके से ये अरवी खाना पसंद करेंगे। तो देर किस बात की, चलिए इसे बना लेते हैं। तो अरवी बनाने के लिए ना यहाँ पे लगभग 250 ग्राम जितना अरवी ले लिया है। अरवी को अच्छी तरीके से मल मल कर धो लिया है मैंने, क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी वगैरह लगा रहता है तो वो अच्छी तरीके से साफ हो जाता है। तो आप देख सकते हैं सारी अरवी को मैंने बढ़िया से धो लिया है। अरवी जो है ना मिट्टी में उगता है, जैसे आलू वगैरह उगता है ना, उसी तरीके से मिट्टी भी ग्रो होता है, तो इसलिए जरूरी है कि अच्छी तरीके से इसे साफ किया जाए। तो फिलहाल मैंने इसे अच्छे से साफ कर दिया है और इधर ले लिया है मैंने कुकर। कुकर में हम लगभग एक गिलास जितना पानी डालेंगे, या यूं कहना अरवी जो है ना पानी में अच्छे से डूब जाए, इतना हमें पानी इसमें डालना है। तो अभी फिलहाल हम इसमें डाल देते हैं एक छोटा चम्मच नमक। नमक डालने के बाद इसमें हम अरवी डालेंगे। अरवी को डालने के बाद अच्छी तरीके से नमक के पानी में इसे मिक्स कर लेना है। अरवी जो है ना बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, बहुत ही जल्दी गल जाती है, तो इसका हम ढक्कन लगाएंगे। कुकर का ढक्कन लगाने के बाद ना लगभग 3 से 4 सीटी आने तक इसे हमें बॉईल करना है फटाफट से, लो टू मीडियम फ्लेम पे, और इसके ना जो प्रेशर है तुरंत हमें निकाल लेना है। ऐसा करने से फ्रेंड्स अरवी बिल्कुल भी ओवरकुक नहीं होगी। तो फिलहाल इधर देखिए 3 से 4 सीटी लग गई हैं और इसका मैं प्रेशर निकाल ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स आज की अगर आपको ये मेरी अरवी की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए ना, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स तो आप देख सकते हैं अरवी हमारी काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। किसी भी चाकू के हेल्प से हम इस तरीके से चेक कर लेंगे। तो इसे हम तुरंत एक छन्नी में निकाल लेते हैं ताकि जो है ना अरवी हमारी बढ़िया से जल्दी से ठंडी हो जाए। फ्रेंड्स अरवी की और भी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है, रेसिपी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए फिलहाल अरवी थोड़ी सी ठंडी हो गई है तो इसे फटाफट से छील लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अभी ठंडी नहीं हुई है, वीडियो बनाने के लिए ना मैं थोड़ा सा जल्दी ही इसे छील ले रही हूँ। ठंडा होने के बाद भी आप आसानी से इसे छील सकते हैं। तो देखिए एक एक करके हम सारी अरवी को इसी तरीके से छील लेंगे। एकदम साफ लग रही है ना अरवी। फ्रेंड्स अरवी की ये रेसिपी अगर आप एक बार मेरे तरीके से बना लिए ना, तो आप सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे। तो एक बार बनाना बनता है तो ज़रूर बनाइएगा, मैं तो यही कहूँगी। तो इधर आप देख सकते हैं सारी अरवी को मैंने छील लिया है। अब क्या करना है ना कि अरवी को आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल लंबे लंबे टुकड़े में कट कर रही हूँ। आप चाहे ना तो पूरा साबुत अरवी रख सकते हैं या फिर गोल गोल कट कर सकते हैं, मतलब जैसे भी आपका मन करे ना उस तरीके से आप इसे कट कर सकते हैं। तो सारी अरवी को देखिए मैंने कट कर लिया है और इसे काटना बहुत ही आसान होता है। तो अरवी वगैरह ना कभी कभी गले में लगता है, तो उसके लिए भी मैं आगे उपाय आपको बताऊंगी कि क्या करना है। तो चलिए अब हम चलते हैं मसाला बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने एक ग्राइंडिंग जार लिया है। ग्राइंडिंग जार में मैं डालूंगी जीरा, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता, साबुत धनिया, काला सरसों और सूखी लाल मिर्च। ये सारे मसाले ना एक छोटे चम्मच जितने हैं। बड़ी इलायची को मैंने बीच से खोलकर डाला है। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची डाल दे रही हूँ, तो इससे ना बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा पानी डालकर इसका एकदम बारीक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारा ये जो मसाला है ना, सरसों का मसाला, बहुत ही बढ़िया से बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, जिनको फिश वगैरह खाना पसंद है ना, उनको पता होगा सरसों के मसाले वाली सब्जी बहुत ही ज्यादा मजेदार लगती है। तो इधर फिलहाल हमारा मसाला तैयार हो गया है, चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे मैंने एक फ्राइंग पैन गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें लगभग 2 छोटे चम्मच जितना हम डालेंगे सरसों का तेल। आप अपनी पसंद से कोई सा भी तेल डाल सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में बढ़िया सा फ्लेवर आता है। कुछ दाने डाल देंगे मेथी के और हींग जरूर डालें, डाइजेशन के लिए सही होता है। उसके बाद हम एक मीडियम साइज का प्याज बारीक कट करके डालेंगे। अच्छी तरीके से भून लेंगे जब तक कि प्याज का कलर सुनहरा ना हो जाए। तो जैसे ही प्याज सुनहरा हो जाए ना, तब हम इसमें एक मीडियम साइज का टमाटर डालेंगे। टमाटर डालने के बाद तुरंत हम नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, या यूं कहना आधी छोटी चम्मच जितना। टमाटर डालने के बाद तुरंत अगर नमक डाल देते हैं ना, तो टमाटर हमारा जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है। तो अच्छी तरीके से इसे मिला लेना है।
और टमाटर को हमें ढक के नहीं पकाना है क्योंकि थोड़े से टमाटर के चंक्स दिखने चाहिए। तो इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये ना तीखा कम होता है लेकिन कलर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। आधी छोटी चम्मच जितना मैंने ये दोनों मसाले डाले हैं। इसके बाद अच्छी तरीके से इसे हमें मिक्स कर लेना है। जैसे ये मिक्स हो जाए ना तब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ मसाला। तो ग्राइंडिंग जार में जो मसाला है वो डाल देते हैं और थोड़ा सा ग्राइंडिंग जार में पानी डालकर बाकी बचे सारे मसाले को भी निकाल लेंगे और अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स कुछ भी वेस्ट नहीं होता है और सारा ग्राइंडिंग जार से मसाला भी निकल जाता है। तो मसाले को हमें बढ़िया से भुनना है। इसे हमें थोड़ी देर तक इसी तरीके चलाते हुए भून लेना है। अभी ढकना वगैरह कुछ भी नहीं है। जैसे ही मसाला थोड़ा सा भून जाए ना तब हम इसमें डालेंगे लगभग 2 बड़े चम्मच जितना दही, या यूँ कहना आधी कटोरी दही। अच्छी तरीके से दही को फेंटने के बाद इसे हमें डालना है। तो दही डालने के बाद ना बढ़िया से इसकी हमें भुनाई करना है, यानी कि मसाले की हमें बढ़िया से भुनाई करना है। तो दही डालने के बाद ना इसे हमें फटाफट से मिक्स कर लेना है ताकि मसाले में दही जब जाए ना तो फटे ना। ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसे फटाफट से अगर हम मिक्स कर देंगे ना तो बढ़िया से हमारा मसाला बनकर तैयार हो जाएगा और दही भी बिल्कुल भी नहीं फटेगा। गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम पे रखना है। तो हमने अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है, अब इसे ढक देना है और ढक के बढ़िया से इसकी भुनाई करना है, यानी कि बीच बीच में से हमें चलाते रहना है, चेक करते रहना है। तो लगभग 2 बार मैंने इसे चलाया है और ये देखिए बढ़िया से इसका तेल भी अलग हो गया है। तो मैंने इसमें लगभग 1 छोटा चम्मच जितना आमचूर पाउडर डाल दिया है, अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है। आमचूर पाउडर की जगह आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं, इसलिए मैंने आमचूर पाउडर डाला है ना फ्रेंड्स। कभी कभी अरवी जो है ना गले में लगती है, यानी कि खुजली वगैरह होता है, तो वो नहीं होगा। इसे हम ढक के लगभग 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो देखिए सारे मसाले बढ़िया से भुन गए हैं और ये देखिए पैन भी छोड़ दिया है मसाला और तेल भी अच्छे से अलग हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे अरवी। तो हमने जो काट कर अरवी रखा था ना वो डाल देते हैं और अच्छी तरीके से मसाले के साथ इसे मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देख ली है, अगर आपको थोड़ी सी भी ये रेसिपी मेरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब करके ना फ्रेंड्स मेरा सपोर्ट ज़रूर करें। मैं बहुत ही मेहनत से सारी वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरा सपोर्ट कीजिए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने अच्छी तरीके से अरवी और मसाले को मिक्स कर दिया है। इसे ढक कर हम लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए भूनेंगे। आप देख सकते हैं अरवी हमारी काफ़ी अच्छे से भून गई है। आप चाहें ना तो इस टाइम पे सूखी अरवी भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ग्रेवी वाली अरवी बनाने वाली हूँ। तो इसमें मैंने पानी डाल दिया है, लगभग आधा बाउल जितना पानी डाल दिया है। अच्छी तरीके से इसे हमें मिक्स कर लेना है। ग्रेवी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, यानी कि इस अरवी की सब्जी को मैंने चावल के साथ खाने के लिए बनाया है। रोटी के साथ आप सूखा भी बना सकते हैं, प्रोसेस सेम रहेगा। तो देखिए लगभग 5 मिनट के लिए मैंने ढक दिया था, बीच बीच में इसे चलाते रहना है, चेक करते रहना है। तो आप देख सकते हैं ग्रेवी की जो थिकनेस है ना एकदम परफेक्ट है। इससे ज़्यादा हमें इसकी ग्रेवी को थिक नहीं करना है, क्योंकि जैसे जैसे ठंडा होगा ना ग्रेवी थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। आप देख सकते हैं लुक वाइज हमारी अरवी की सरसों के मसाले वाली सब्जी कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। पूरे घर में खुशबू इसकी फैल गई है, बहुत ही ज़्यादा ये मज़ेदार सब्जी बनकर तैयार होती है। तो गैस को हम ऑफ कर देते हैं और इसके ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं ताकि फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो इसे हम एक बार मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसे ढक देना है ताकि धनिया का फ्लेवर जो है ना अच्छी तरीके से सब्जी में आ जाए। तो लगभग आधे मिनट के लिए हम ढक देंगे और उसके बाद हम सब्जी को सर्व करेंगे। फ्रेंड्स एक और बात मुझे आपसे जाननी थी, हमारी तरफ अरवी को घुइया भी कहा जाता है, आपकी तरफ अरवी को किस किस नाम से जाना जाता है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कहाँ से आप ये रेसिपी देख रहे हैं ये भी जानकर फ्रेंड्स मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, तो ज़रूर बताइएगा। आप देख सकते हैं सब्जी हमारी एकदम बढ़िया सी बनकर तैयार हो गई है। मैं इस सब्जी को चावल के साथ सर्व कर रही हूँ। आप देख सकते हैं लुक वाइज ये सब्जी कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है। जिन लोगों को फिश करी पसंद है ना उनके लिए ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनने वाली है, क्योंकि ये देखिए सरसों के मसाले वाली ये सब्जी है ना खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और स्वाद तो मत पूछिए। एक बार बना लिए इस तरीके से ना ये अरवी की सब्जी तो आप बार बार इसी तरीके से बनाकर खाना पसंद करेंगे। ये जो अरवी की सब्जी है ना इसे देखने से ही मुंह में पानी आ गया होगा, मैं पक्का बता रही हूँ। और मुझे यकीन है आप ज़रूर बनाकर ट्राई करेंगे और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि आपकी अरवी की सरसों के मसाले वाली सब्जी कैसी बनी है। तो चलिए फिलहाल मैं इसे खा कर दिखाती हूँ। इसकी जो ग्रेवी है ना एकदम परफेक्ट बनी
है। अरवी भी हमारी काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, ये देखिए। तो इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं और लुक वाइज आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा ये मज़ेदार अरवी की सब्ज़ी और चावल लग रहा है। तो इस तरीके से सब्ज़ी चावल मैं खाकर आपको बताती हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये सब्ज़ी चावल लग रहा है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अरवी की सब्ज़ी और चावल। आप चाहे तो रोटी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं, पराठे के साथ, जिसके साथ आपको खाना है आप खा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आज की आपको ये अरवी की सब्ज़ी की रेसिपी सरसों के मसाले वाली बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और जब भी आप अरवी की सब्ज़ी मेरी वीडियो देखने के बाद बनाएंगे ना, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये सब्ज़ी आपको कैसी लगी। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो आईडी मेंशन कर दूंगी मैं वीडियो में। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसी यूनिक, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।